नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं बैंकिंग गुरुजी। दोस्तों आज जो पजल हम लोग सॉल्व करने वाले हैं वो केनरा पीओ के किसी शिफ्ट में आया था। वो किस शिफ्ट में आया था वो मुझे पता नहीं है, लेकिन ये मेमोरी बेस्ड है। तो चलिए, क्वेश्चन आपके सामने में है, इसको आप लोग देखिए और सॉल्व कीजिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये पजल हमें भेजा है काजल गुप्ता ने। सो थैंक यू काजल हमारे साथ इस पजल को शेयर करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपने देखा होगा, कोशिश की होगी। तो चलिए अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना था। 8 स्टूडेंट्स ए बी एफ एम क्यू आर एस जेड आर सीटेड इन ए स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। दे बिलोंग्स टू डिफरेंट क्लासेस। मतलब देखिए, 8 स्टूडेंट्स हैं, वो सभी एक स्ट्रेट लाइन में नॉर्थ फेस करके लेफ्ट से राइट बैठे हुए हैं और सभी डिफरेंट क्लास से बिलोंग करते हैं। वो कौन कौन से क्लास हैं वो यहाँ पर हमें नहीं दी गई है, वो हो सकता है कि वो आगे कंडीशंस में पता चले। ठीक है, नो वन विद हायर क्वालिफिकेशन सीट्स टू द लेफ्ट ऑफ लोअर वंस। देखना, इस चीज़ को बहुत ही ध्यान से समझना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर इस लाइन को आप समझ गए तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। इसमें क्या बोला जा रहा है कि हायर क्वालिफिकेशन वाला वो लोअर क्वालिफिकेशन वाले के लेफ्ट में नहीं होगा। जैसे कि आप यहाँ पर मैं समझाता हूँ कि मान लो एक क्लास 8 है, ठीक है, और एक क्लास 4 है, ठीक है। तो बड़ा वाला क्लास कौन सा है? 8 क्लास बड़ा वाला है, छोटा वाला 4 है। तो बोला क्या जा रहा है कि छोटे वाले के लेफ्ट में बड़ा वाला नहीं आ सकता है, यानी कि छोटे वाले के लेफ्ट में बड़ा वाला, इस तरीके की अरेंजमेंट नहीं हो सकती है। ठीक है, अरेंजमेंट कौन सी होगी? छोटे वाले के राइट में बड़ा वाला जाएगा, यानी कि जो भी छोटा वाला होगा उसके राइट में बड़ा वाला, फिर उसके राइट में उससे बड़ा वाला, फिर उसके राइट में उससे बड़ा वाला। समझ में आ गई ये चीज़? यानी कि जो अरेंजमेंट हमारी बनेगी वो लेफ्ट टू राइट इंक्रीजिंग ऑर्डर में बनेगी। समझ रहे हो इस चीज़ को? किस तरीके से लेफ्ट टू राइट इंक्रीजिंग ऑर्डर में बनेगी हमारी अरेंजमेंट। समझ गए इस चीज़ को? यही इम्पोर्टेंट थी। ठीक है, तो चलिए अब सबसे पहले हमारे पास 8 लोगों को अरेंज करना है, तो हम एक लाइन बना लेते हैं। ठीक है, उसमें 8ों लोगों की पोजीशन कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये हमारी 8ों लोगों की पोजीशन हो जाती है। एक और कंडीशन ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पर एक और लाइन ड्रॉ कर देते हैं, उस पर 8 लोगों की पोजिशन कर देते हैं। 1 2 3 है। अब आगे बोला जा रहा है, ए इज स्टडिंग इन 5th क्लास सीट्स 3rd फ्रॉम द लेफ्ट एंड, यानी कि लेफ्ट एंड से तीसरा आपका ए होगा। 1 2 3 यहाँ पर ए आ जाएगा, और वो किस क्लास से है? वो 5th क्लास से है। ठीक है, ये चीज हमें पता है, यहाँ भी वैसे ही कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद 1% सीट्स बिटवीन ए एंड क्यू। ठीक है, ए और क्यू के बीच में 1% बैठने वाला है, तो एक तो आपका क्यू यहाँ पर आ जाएगा और दूसरे में आपका क्यू यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है, एम सीट्स 3rd टू द लेफ्ट ऑफ स्टूडेंट हु स्टडिंग इन 7th क्लास, यानी कि 7th क्लास के लेफ्ट में 1 2 तीसरा आपका एम हो जाएगा। ठीक है, फिर बोला जा रहा है, एज मेनी स्टूडेंट सीट्स बिटवीन 5th एंड 7th क्लास इज सेम एज बिटवीन क्यू एंड 12th क्लास, यानी कि देख लो, 5th और 7th के बीच में जितने लोग बैठेंगे उतने ही लोग बैठेंगे क्यू और 12th क्लास के बीच में। ठीक है, बराबर होगी, 5 और 7 के बीच में जितने लोग बैठेंगे उतने ही क्यू और 12 के बीच में बैठेंगे, बराबर होगी। ठीक है, उसके बाद आर स्टडिंग इन बीकॉम, आर हमारा बीकॉम में पढ़ेगा, आर के लिए कन्फर्म है कि वो बीकॉम में जाएगा। ठीक है, स्टूडेंट्स सीट्स टू द लेफ्ट ऑफ क्लास 3 इज सेम एज स्टूडेंट सीट्स राइट टू द बीकॉम। ठीक है, इस चीज़ को देखना ध्यान से, इसमें क्या बोला जा रहा है कि क्लास 3 के लेफ्ट में जितने भी स्टूडेंट्स बैठेंगे वो बराबर होंगे बीकॉम के राइट में बैठने वाले के। ठीक है, क्लास 3 के लेफ्ट में जितने लोग बैठेंगे उतने ही बीकॉम के राइट में बैठेंगे। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई, इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर इसको नोट कर लिया है। अब बोला जा रहा है, बी सीट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ 9th क्लास, 9th जो होगा उसके इमीडिएट लेफ्ट में, इमीडिएट में बी बैठेगा। ठीक है, फिर बोला जा रहा है, मोर देन 2 स्टूडेंट सीट्स बिटवीन एस एंड द वन हु परसुइंग PhD। ठीक है, एस और PhD के बीच में 2 2+ लोग बैठेंगे, 2 से ज़्यादा, मोर देन 2 बोला जा रहा है, यानी कि 2 भी नहीं होंगे, 2 से ज़्यादा ही होंगे, 2+ होंगे। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है, एफ इज जूनियर टू जेड। ठीक है, एफ जो है वो जेड का जूनियर होगा, इसको इस तरीके से हम लोगों ने नोट कर लिया। तो अब देख लो, अब सारी चीज़ें हम लोगों ने नोट कर ली हैं क्वेश्चन से, अब हमें यहाँ पे सॉल्व करना है। अब ध्यान से देखना, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इजीली सॉल्व होगा। ठीक है, वो कैसे सॉल्व होगा देखो, यहाँ पे मैंने आपको क्या समझाया था कि यहाँ पे हमें ये समझ में आ रहा था
कि जो भी छोटा वाला क्लास होगा उसके राइट में जाएगा बड़ा वाला क्लास, यानी कि लेफ्ट टू राइट हमारी इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगी। तो सबसे लास्ट में कौन आएगा? जो सबसे बड़ा क्लास होगा वो आएगा सबसे लास्ट में, ठीक है। तो सबसे बड़ा क्लास हमारे पास यहाँ पर कौन सी है? पीएचडी की है ना। पीएचडी से बड़ा तो देख लो आप, कहीं पे हमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। पीएचडी से बड़ा क्लास तो यहाँ पर है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसको सबसे लास्ट में पीएचडी को नोट किया, ठीक है। उसके बाद पीएचडी से छोटा कौन सा है? देखो यहाँ पर बीकॉम है, ठीक है, बीकॉम है। बीकॉम से बड़ा तो हमें कहीं कुछ दिख नहीं रहा है ना। तो यहाँ पर आपका बीकॉम आ जाएगा, बीकॉम आ गया, ठीक है। अब बीकॉम से छोटा देखो कौन सा है? बीकॉम से छोटा हमारे पास 9, 7, 5, 12, 12 है। बीकॉम से छोटा 12 है, उससे छोटा कोई नहीं है, 12, ठीक है। अब देखो, अब 12 से छोटा कौन सा है? 9 है, 5 है, 7 है, 3 है। तो 9 आ गया आपका यहाँ पर। उसके बाद देखो 9 से छोटा आपका 7 क्लास है, तो यहाँ पर आपका 7 आ गया। अब 5 है, ठीक है। यहाँ से हमें ये भी पता चल रही है कि देख लो, यहाँ से हम लोगों ने पीएचडी से स्टार्ट किया था और पीएचडी से डिसेंडिंग ऑर्डर में चलते गए इधर, और 7 के बाद यहाँ पर 5 आ रहा है। यानी कि अब हम इसको चेक भी कर सकते हैं कि 7 और 5 में कोई क्लास, यानी कि क्लास 6 है क्या हमारे पास में? देख लो आप लोग, नहीं, क्लास 6 हमारे पास नहीं है, ठीक है। यानी कि हमारी ये अरेंजमेंट यहाँ पर सही दिखती हुई नज़र आ रही है हमें। अब देखो, अब 5 से नीचे कौन सी क्लास है हमारे पास में? 5 से नीचे हमारे पास में क्लास 3 है, ठीक है, क्लास 3 और कोई क्लास नहीं है। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है, या तो क्लास 3 यहाँ पर आएगा या फिर 3 यहाँ पर आएगा, ठीक है। 3 इन्हीं दोनों में से कोई एक जगह आएगी, कौन सी जगह आएगी वो यहाँ पर अभी हमें पता नहीं है। आगे में कंडीशन नोट करते टाइम में क्या पता पता चल जाए। तो फिलहाल इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पर भी नोट डाउन कर देते हैं। इसी तरह से पीएचडी आपका आ गया यहाँ पर, फिर बीकॉम आ गया, ठीक है, फिर 12, 9, 7, ठीक है। 3 के लिए जगह अभी छोड़ देते हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग? तो 7 के लेफ्ट में 2 छोड़ के आपका एम आना है, तो 7 यहाँ पर है तो उससे लेफ्ट में 2 छोड़ के, 1, 2 छोड़ कर यहाँ पर एम आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो क्यू है, यहाँ पर एम आ ही नहीं सकता है। ये कंडीशन हमारी तो स्टार्ट होते ही ख़त्म हो गई। अब इसमें देख लो, इसमें 7 है यहाँ पर, तो उसके लेफ्ट में 1, 2 छोड़कर हमारा एम यहाँ पर आएगा कन्फर्म, ठीक है। अब इसको नोट कर लिया। अब देख लो, यहाँ पर 5 और 7 के बीच में जितने पर्सन आने हैं, 5 और 7 के बीच में जितने बंदे आने हैं, उतने ही क्यू और 12 के बीच में होने चाहिए। देख लो, यहाँ पर हमारा 5 और 7 है, 5 और 7 के बीच में कितने पर्सन हैं? कोई नहीं है, ठीक है, ये दोनों लगातार में बैठे हुए हैं। तो क्यू और 12 भी लगातार में ही होने चाहिए। अब हमारा देखो, क्यू यहाँ पर है और 12 यहाँ पर है, तो देख सकते हो आपकी क्यू और 12 भी लगातार में ही बैठे हुए हैं, उन दोनों के बीच में कोई भी नहीं बैठा है। यानी कि यहाँ से हमारी ये कंडीशन भी कन्फर्म है, सही है, सही बैठाया है हमने, चेक कर लिया हमने, ठीक है। अब चलो, अब आर हमारा बीकॉम आएगा, बीकॉम की पोजिशन यहाँ पर है, तो उसमें आर को बिठा दो, ये भी नोट। देख लो, क्लास 3 के लेफ्ट में उतने ही लोग होंगे जितने कि बीकॉम के राइट में हैं। तो बीकॉम की तो हमें पोजीशन पता है यहाँ पर, तो बीकॉम के राइट में कितने लोग हैं? एक ही है, बीकॉम के राइट में बस एक ही पर्सन बैठा हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि क्लास 3 के लेफ्ट में भी एक ही पर्सन बैठेगा, है ना। तो क्लास 3 हमारा यहाँ पर आ जाएगा और उसके लेफ्ट में एक पर्सन बैठ रहा है। तो देख सकते हो कि क्लास 3 की पोजीशन हमें यहाँ पर कन्फर्म हो चुकी है, पता चल चुकी है, ठीक है। अब ये भी नोट हो गया। अब देख सक देखो यहाँ पर आप कि 9, क्लास 9 के इमीडिएट लेफ्ट में बी बैठेगा। क्लास 9 हमारा यहाँ पर है और उसके इमीडिएट लेफ्ट में बी को बैठना है, तो बी को हमने यहाँ पर बिठा दिया, ठीक है, ये भी नोट हो गया। अब देखो, एस और पीएचडी के बीच में 2 से ज़्यादा लोग बैठेंगे, एस और पीएचडी के बीच में 2 से ज़्यादा लोग बैठेंगे, ठीक है। पीएचडी हमारा यहाँ पर है, ठीक है, और हमारे पास देखो 2 ही पोजीशन बच रही है खाली, यानी कि एस या तो यहाँ आएगा या फिर यहाँ आएगा। अगर एस को यहाँ बिठाएंगे तो पीएचडी और एस के बीच में कितने पर्सन बैठ रहे हैं? एक ही बैठ रहा है, लेकिन यहाँ पे हमें बोल रहा है कि 2 से ज़्यादा बैठेंगे, कितने भी बैठ जाएं लेकिन 2 से ज़्यादा ही बैठेंगे। तो जाहिर सी बात है कि एस हमारा यहाँ पर बैठ जाएगा। अगर एस को यहाँ पर बिठाते हैं तो 2 से ज़्यादा लोग पीएचडी और एस के बीच में बैठ रहे हैं, ठीक है। अब 2 पोजीशन हमारी बच रही है, इसको भी नोट कर लिया है। अब इसको देखो, जेड बड़ा है, एफ छोटा है, यानी कि जेड से एफ जूनियर है यहाँ पर, ठीक है। तो जेड पीएचडी जेड हो जाएगा आपका, और उससे जूनियर 12, ये आपका हो जाएगा एफ, ठीक है। तो इस तरीके से देख सकते हो दोस्तों कि हम लोगों ने इस पजल को सॉल्व कर लिया है। सभी 8 लोगों की पोजिशन पता चल चुकी है हमें, और
क्लास के बारे में हमारे पास बस 7 क्लास के बारे में ही जानकारी थी, सिर्फ 7 क्लासेस के बारे में ही डिटेल हमें पता थी, इसलिए हम लोगों ने 7 क्लास को ही यहाँ पर एडजस्ट कर पाया है। बस एक क्लास कौन सी होगी ये हमें पता नहीं है यहाँ पर, लेकिन एक चीज़ कन्फर्म है। वो क्या कन्फर्म है कि यहाँ पे जो भी होगा वो 3 से छोटा होगा, ठीक है? ये चीज़ आप ध्यान में रखना, अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हो और उसमें आंसर आपको करना हो, तो आंसर अगर कांट बी डिटरमाइंड हो, CND हो या फिर नन ऑफ दीज हो, तो वही होगा आंसर। लेकिन अगर CND या नन ऑफ दीज नहीं होता है ऑप्शन में, तो आपका 3 से छोटा वाला जो ऑप्शन होगा, या तो 2 या फिर 1 या फिर कुछ भी हो, लेकिन 3 से छोटा ही होना चाहिए, वो ऑप्शन में होगा तो वही आपका आंसर होगा, ठीक है? ये चीज़ हमें यहाँ पर कन्फर्म है कि ये वाला क्लास 3 से तो भाई छोटा ही होगा, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये पजल आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से और पसंद भी आई होगी। और वीडियो अगर पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर कर दें। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।